वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको चावल की खीर बनाना बताऊंगी। खीर बहुत तरह से बनती है, सेवैयों की खीर भी बनती है, साबूदाने की भी बनती है, लेकिन स्पेशली चावल की जो खीर होती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है और किसी भी फेस्टिवल पर हम उसे बना सकते हैं। चावल की खीर राजस्थान में राखी के त्योहार पर बनाई जाती है, जो खीर घेवर के साथ खाई जाती है। तो जरूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और अलग स्टाइल से मैं आज आपको खीर बनाना बताऊंगी, तो आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक खाली पैन लिया है, इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसमें अब हम दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कच्चा दूध लिया है, 1 किलो दूध लिया है। ये मैंने यहाँ पर पैकेट वाला दूध लिया है और हमें फुल क्रीम दूध ही लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए अब हम इसको गर्म कर लेते हैं। दूध को मैंने फुल फ्लेम पे गैस पे रख दिया है। बीच बीच में इसको हम चलाते जाएंगे इस तरह। पानी मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि ये तल्ले से लगे नहीं। दूध जो है बॉइल होने लग गया है, तो 1 कप दूध जो है मैं निकाल लूंगी। ये मैंने 1 कप दूध निकाल लिया है, इसमें मैं केसर ऐड करूंगी। दूध में मैंने केसर ऐड कर ली है, इसको अब हम मिक्स कर देंगे। केसर का दूध हम लास्ट में ऐड करेंगे और इसको हमें कम फ्लेम पे पकाना है। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है ताकि इसमें मलाई नहीं आए। आप देखिए मैंने ये आधा कप चावल लिए थे, 1 किलो दूध में हमें आधा कप चावल लेने हैं। 20 से 30 मिनट तक मैंने इनको पानी में भिगो दिया था। ये देखिए फूल गए हैं। ये मैंने खाने वाले चावल लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो पानी मैंने इसका पूरा निकाल लिया है। ये हमें अब दूध में ऐड करना है, तो इसको हम डाल देंगे और इसको हम एक बार वापस से चला लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमें दूध को पकाना है और बीच बीच में इसको लगातार चलाते रहना है। यही तो इसका मेन स्टेप है, जब खीर जो है हमारी अच्छी बनकर तैयार होगी। इस तरह हमें कॉर्नर से हटाते हुए इसको चलाना है और कम से कम 20 से 25 मिनट तक हमें इसको कम फ्लेम पे ही पकाना है। खीर जब तक पकती है तब तक हम ड्राई फ्रूट्स तैयार कर लेते हैं। खीर में डालने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने 9-10 काजू लिए हैं, 9-10 बादाम लिए हैं, थोड़े से पिस्ते लिए हैं और थोड़ी सी मैंने इलायची ली है। इन सभी को हमें कचरा करना है। इस तरह कूटने का आता है, तो इसमें हम डालेंगे। इसको अब हम कूट लेंगे। देखिए इस तरह हमें कूटना है। हम बादाम भी कूटेंगे इस तरह। इलायची को भी हमें कूटना है, छिलके हम हटा देंगे और इसको हम बारीक करेंगे। इस तरह पिस्ते को भी मैंने कर लिया है। तो ड्राई फ्रूट हमारे तैयार हो गए हैं खीर में डालने के लिए। आप कम ज्यादा अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। अब आप देखिए खीर जो हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसके जो चावल के दाने थे वो भी अच्छी तरह से फूल गई है और खीर का जो कलर था वो भी अब क्रीमिश हो गया है व्हाइट से। चावल और दूध भी दोनों एक हो गए हैं। जब शुरुआत में डाला तो दोनों अलग अलग लग रहे थे, इस तरह आप देखिए दोनों एक हो गए हैं। इस स्टेज पे अभी हमें डालनी है शक्कर। तो मैं यहाँ पे 5 टेबल स्पून शक्कर ऐड करूंगी। आप कम ज्यादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। दूध की जो थिकनेस है वो अभी और बढ़ती जाएगी। एक उकाल आने देंगे, फिर हम ऐड करेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। खीर बॉइल होने लग गई है, तो अब हमें ऐड करना है ड्राई फ्रूट्स। तो जो ड्राई फ्रूट्स हमने कूटे थे वो हम ऐड करेंगे। थोड़े थोड़े से हम लास्ट में बचा कर रख देंगे। सभी को करेंगे एक बार फिर से मिक्स। अब हम ऐड करेंगे हमारा केसर वाला दूध जो हमने शुरुआत में भिगोया था, वो हम ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को करेंगे फुल और वेट करेंगे बॉईल होने तक का। खीर में आने लग गया है बॉईल। यदि आप ठंडी खीर खाना पसंद करते हैं तो कर दीजिए गैस को बंद, और यदि आप तेज गर्म खीर खाना पसंद करते हैं तो अभी इसको 5-7 मिनट और पकाइए। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, खीर बनकर तैयार हो गई है, अच्छी गर्म हो गई है। तो चलिए गैस को कर देते हैं बंद और खीर को करते हैं अब हम सर्व। खीर को मैंने बाउल में सर्व कर दिया। तो चलिए बचे हुए ड्राई फ्रूट से हम इसकी गार्निश कर लेते हैं। देखिए खीर कितनी सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। खीर बनाते समय इसकी खास बात यही है
कि दूध का जो फेट है और चावल का स्टार्च दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए, तभी आपकी खीर लाजवाब बनेगी। खीर को हम खीर कोफ्ते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खीर पूड़ी के साथ भी, और अभी राखी का त्योहार आ रहा है तो खीर और घेवर के साथ भी हम खीर को बनाते हैं। जब बराबर का कॉम्बिनेशन हो तभी खीर खाने में टेस्टी लगती है, तो जरूर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। राजस्थान में खीर और घेवर राखी पे खूब बनाए जाते हैं, तो घेवर कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जरूर एक बार इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिए। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।